morning, friends. Time है सुबह के 5 बजे और ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 5:30 का। अभी हम लोग पहुंचे हैं उधमपुर। मैंने अभी बस जो बाहर चेक करा और अभी ट्रेन में कैबिन में लोग उठने शुरू हो गए, तो 5:30 हम लोग उम्मीद है पहुंचेंगे कटरा। उसके बाद चलेंगे अपने होटल और उसके बाद हम चलेंगे हेलीपैड की। तो अभी आज का शेड्यूल ये है, दर्शन करते हैं माता के और मॉर्निंग हो और साथ में चाय ना हो ऐसा होने से। तो चाय चुकी है अपनी पोजिशन पे, थोड़ी ठंड है, मौसम ठंडा है एज कम्पेयर टू दिल्ली। यहाँ पे क्योंकि आप टूवर्ड्स नॉर्थ हैं तो आपको ठंड ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, तो आपने जैकेट्स वैकेट लेके आए, रिकमेंडेशन यही है। तो चलिए चाय के मज़े लेते हैं और मिलते हैं आपको कटरा स्टेशन पर। ठीक है, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। टाइम है 5:25 और ट्रेन का अगर मैं ऑफिशियल टाइम बोलूं तो 5:40 है यहाँ आने का, बट यहाँ पे ट्रेन जो है इंडियन रेलवे अपने टाइम से 15 मिनट्स पहले है, जिसके लिए मैं इनको पूरा क्रेडिट देता हूँ। हैट्स ऑफ टू इंडियन रेलवे की पंचुअलिटी मेंटेन करते हुए और हमें 15 मिनट पहले, कीमती 15 मिनट पहले पहुँचाते हुए, क्योंकि मुझे आगे हेलीकॉप्टर कैच करना है, तो मेरे लिए 15 मिनट बहुत कीमती है। यहाँ पे थोड़ा मौसम ठंडा है, मैं अपनी जैकेट्स निकालता हूँ और जैकेट पहनता हूँ और फिर आपको देता हूँ स्टेशन में थोड़ा ओवरव्यू। आज का मेरा प्लान अभी ये है कि मैं जाऊंगा होटल में और वहाँ करूंगा चेक इन और उसके बाद मेरा है 8:30 का हेलीकॉप्टर, जिसके लिए आपको 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है। आपको एक टाइम स्लॉट मिलता है, उस टाइम स्लॉट से 1 घंटा पहले आपको वहाँ पे पहुंचना पड़ता है, जाके आपको जो फॉर्मेलिटीज़ हैं रिलेटेड टू बोर्डिंग ऑफ द प्लेन वो कम्प्लीट करनी पड़ती है। तो पिछली बार जो सेम ट्रेन थी मेरी 6:30 बजे पहुँची थी, तो उसमें मेरे को थोड़ा टाइम कम मिला था, बट इस बार ही कंपेरेटिवली आई वुड से ट्रेन टाइम पे है तो ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द होटल। गाइस, आपको जैसे ही आप बाहर निकलेंगे स्टेशन से, तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है टैक्सी स्टैंड और स्टेशन की एंट्री यहाँ बैक साइड से है, तो यहाँ से बाहर निकलते ही आपको काफ़ी टैक्सीज के ऑप्शन मिल जाएंगे। मेरा होटल पास में है तो मैंने अभी मम्मा और बाकी सब सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्सी करी है और बाकी हम लोग पैदल जाएंगे, जो कि मुझे हार्डली लगता है 10 मिनट लगने वाले हैं। तो लेट्स वॉक। मॉर्निंग वॉक इज अ गुड थिंग, जो मैं दिल्ली में बिल्कुल नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा मुझे चांस मिल रहा है, तो लेट्स गो। रास्ते में आपको व्यूज दिखाता हूँ कि किस तरीके से व्यूज दिखते हैं। लोग हो गए हैं तैयार और अब हम जा रहे हैं सीधा हेलीपैड की ओर, जहां से हम अपना हेलीकॉप्टर पकड़ के जाएंगे सांझी छत। वहां से हमारा है 1/2 hour का अराउंड अप्रोक्सीमेट जो बोला गया है मुझे, 1/2 hour का वॉक डिस्टेंस है टूवर्ड्स भवन। और फिर वहां से आप अगर चाहें तो ऊपर भैरव बाबा भी जा सकते हैं थ्रू ट्रॉली। कोशिश करेंगे कि हम भी वहां पे जाएं अगर हमारे पास समय हुआ तो, और फिर हम चलेंगे वापस कटरा की ओर फ्रॉम सांझी छत सेम हेलीकॉप्टर लेके वापस। तो ये है अभी मेरा 1/2 day का शेड्यूल। तो हम निकल रहे हैं होटल से, होटल का ओवरव्यू मैं आपको दूंगा वापस आने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट हो रहा हूँ। तो लेट्स गो टूवर्ड्स हेलीपैड नाउ।
हेलीपैड जाने के लिए लगभग यहाँ से अराउंड टाइम लगता है 10 से 15 मिनट। तो 10 से 15 मिनट में आप हेलीपैड पहुंच जाएंगे, आप ऑटो लीजिए। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने हेलीकॉप्टर बुक कराया है तो आपको उसके लिए आधार कार्ड होना मैंडेटरी है। आपको आधार कार्ड अपने साथ लाना ही लाना है, तो आधार कार्ड जरूर लेके चलें। अभी एक ऑटो मिल चुका है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, बाकी दो की तलाश है। तो लेट्स सी। पीछे देख रहे हैं, ये है एंट्री फॉर हेलीपैड। हम लोग पहुंच चुके हैं, अब हम अंदर जाएंगे। सबसे पहले जब आप अंदर आते हैं, एंट्री करते हैं हेलीपैड के लिए, तो सबसे पहले आपको जाना है इस वाले डेस्क पे जो कि है रजिस्ट्रेशन डेस्क, जहाँ पे आपको यात्रा पर्ची लेनी है। पर्ची लेने के बाद आपको अपना वेरिफिकेशन कराना होता है इन काउंटर्स के ऊपर। ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, आपके बेस डिपेंड करता है कि आपने ग्लोबल वेक्टर से बुकिंग कराई है या फिर हिमालयन से बुकिंग कराई है, उसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। लेकिन इनिशियल स्टेप ये है कि आपको यात्रा पर्ची लेनी पड़ती है। इस तरीके का कार्ड आपको मिलता है और आपकी फोटो क्लिक की जाती है, उसके बाद आपको भेजा जाता है वेरिफिकेशन के लिए। तो अभी ये दो स्टेप्स हैं, स्टेप वन रजिस्ट्रेशन का, स्टेप टू फॉर वेरिफिकेशन। तो ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मैं आपको थर्ड स्टेप पे ले जाऊंगा। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपल रखेंगे, आसानी से जाके समझ आ जाए। और अभी मेरा क्योंकि स्टेप वन कम्प्लीट हो चुका है, आई विल मूव टू स्टेप टू जो कि है वेरिफिकेशन का। तो वहाँ चलते हैं काउंटर पर। मैंने आपको बताया था कि स्टेप टू है जो पीछे वेरिफिकेशन स्टेप है, आपका आधार कार्ड वेरीफाई किया जाता है। तो आधार कार्ड लाना इज मैंडेटरी अगर आपको हेलीपैड सर्विस अवेल करनी है। तो मेरे को इस तरीके का पर्ची मिला है, छोटा वाला पर्ची जो आप देख रहे हो ऊपर, तो इस तरीके का पर्ची जनरेट करके आपको देंगे। अब हमें जाना पड़ेगा बोर्डिंग काउंटर पे जो की है स्टेप थ्री। तो पहला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस इज द वेरिफिकेशन प्रोसेस, एंड थर्ड प्रोसेस इज द बोर्डिंग काउंटर प्रोसेस जहाँ पे आपका वेट वगैरह नापा जाएगा। अभी हमारा हो गया वेट डन। जितना भी वेट करते हैं कि किस तरीके से आपको हेलीकॉप्टर में एडजस्ट करना है, आगे सीट पे बिठाना है कि पिछले सीट पे बिठाना है, वो चीजें सारी मेजर होती हैं इस बोर्डिंग काउंटर पे। और उसके बाद आपको बोर्डिंग पास इशू होता है, जिसके थ्रू आपको ये जो पीछे मेरे वैन खड़ी है ये आपको ले जाती है ऊपर, जहां से आपको हेलीकॉप्टर बोर्ड करना होता है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है यहाँ का जो आपको फॉलो करना है। टोटल तीन स्टेप्स हैं। अगेन मैं फिर आपकी इजीनेस के लिए बता रहा हूँ, पहले यात्रा रजिस्ट्रेशन, फिर आधार वेरिफिकेशन, और फिर लास्ट में बोर्डिंग पास के लिए आपको यहाँ पे आना। तो ये तीन प्रोसेस अगर आप कर लेंगे तो इजीली आपका चेक इन हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कैरियर है वो कौन सा है, ग्लोबल वेक्टर है या फिर हिमालयन है। यहाँ दो प्रोवाइडर्स हैं, एक ग्लोबल वेक्टर है, एक हिमालयन, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ऑनलाइन जाएंगे आपको दोनों के ऑप्शन दिख जाएंगे। तो ठीक है, अभी हम बैग्स पे लगा रहे हैं टैग जो कि हमें मिले हैं। अभी वेटिंग एरिया में है, वेटिंग एरिया के अंदर यहाँ पे फोटोग्राफी करना मना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। यहाँ नॉर्मली वेटिंग टाइम हाफ एन आवर का रहता है, बाहर आप अपने फ्लाइट का वेट करते हैं और उसके बाद आपको आसानी से खुशादी हो जाता है। तो यही है, फ्लाइट के अंदर हो सकता है, मैं ट्राई करूंगा कुछ आपको वीडियो क्लिप दिखाऊँ, बट मैंडेटरी नहीं है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है। बट लेट अस सी क्या बेस्ट दिखा पाऊंगा मैं आपको। तो अभी हम वेट करेंगे शांति से वेटिंग एरिया के। Thank you.
पहुंच चुके हैं अभी सांझी छत के ऊपर जहां पे हेलीकॉप्टर ने हमें उतारा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग था। पायलट्स अब पहले के मुकाबले, पहले पायलट्स को बोलने का परमिशन नहीं था फ्लाइट के अंदर, वो लोग फ्लाइट फ्लाई करते थे सिंपली, और अब लेकिन पायलट्स आपको काफी फ्रेंडली लगेंगे, काफी आपको डिटेलिंग बताएंगे, अतक्वारी कहाँ है, भैरवनाथ मंदिर कहाँ है, रस्ते में न्यू रूट कौन सा है, आगे वाले बैठे हुए बंदों के साथ काफी इंटरेक्ट करेंगे, तो ये काफी अच्छी चीज लगी, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ऑल्दो मैं हाइट से मुझे थोड़ा फोबिया है, बट स्टिल आई वुड से कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल मेरा। अब यहाँ से, अब जब आप आएंगे तो यहाँ से आपको लेना पड़ेंगे दर्शन पर्ची, जो VIP दर्शन पर्ची है वो आपको यहाँ से मिलेगी, एग्जिट होते ही बाहर आपको मिल जाएगी VIP दर्शन पर्ची। इस पर्ची की मदद से आप लोग VIP दर्शन कर सकते हैं, 2.5 घंटे के अंदर आप पूरे दर्शन कर सकते हैं, और भैरव बाबा भी जा सकते हैं क्योंकि आपको 2.5 घंटे के अंदर वापस यहीं पे आना है दोबारा, तो ये आप ध्यान रखिए, टाइम आपको नीचे बता दिया जाएगा कितने टाइम में आपको वापस आना है। तो अभी हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। हम लोग चल रहे हैं यहाँ से 3 किलोमीटर है हेलीपैड से, जो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है जो मैंने आपको पीछे स्नैप में भी दिखाया, ऑल्दो वहाँ 2.5 किलोमीटर लिखा था बट उससे ऊपर भी हेलीपैड तक जाने के लिए 300 मीटर के आसपास है, तो आप ये लगा के चलो कि टोटल 3 किलोमीटर आपको वॉक करना पड़ेगा इवन आफ्टर टेकिंग द हेलीकॉप्टर सर्विस। तो अच्छा है, थोड़ा बहुत चलना भी चाहिए, आप माँ के दर्शन करने आए हैं तो थोड़ा बहुत आपको चलना बनता भी है। अभी मैं आपको कराऊंगा प्यारे से दरबार के दर्शन, जो कि अभी मेरे हिसाब से 1 या 2 मोड़ बाद आने वाला है, तो बने रहिए, उसको वहां पे माता के दर्शन करते हैं। अंदर कैमरा शायद नहीं ले जाने देंगे, तो अंदर के दर्शन मैं आपको फोटो के थ्रू ही करा पाऊंगा, बट डेफिनेटली बाहर से दरबार के दर्शन मैं आपको जरूर करवाऊंगा। जय माता दी। दरबार की जय। जो अभी आपने ट्रॉली देखी पीछे, मैंने आपको क्लिपिंग में दिखाई, वो है भैरव बाबा तक के मंदिर तक जाने की ट्रॉली। वहां आप दरबार से जस्ट पहले अराउंड 500 मीटर्स पहले ये ट्रॉली आप ले सकते हैं और भैरव बाबा के मंदिर तक सीधा पहुंच सकते हैं। जो चढ़ाई है 3-4 किलोमीटर का रास्ता, आई गेस 5 किलोमीटर के आसपास है, वो रास्ता आप थ्रू ट्रॉली कवर कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट का काफी अच्छा इनिशिएटिव है जो कि भवन से भैरव बाबा के मंदिर तक आपको ट्रॉली के थ्रू ले जाता है। ये जो भी आपने वीडियो में देखा, ये था प्रसाद देने का या भेंट लेने की जगह। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं भेंट लेने की। एक ऑप्शन है जो 50 रुपीज का है, जिसमें नारियल का प्रसाद नहीं होता, और दूसरा ऑप्शन है 100 रुपीज का, जो कि नारियल के प्रसाद के साथ इंक्लूडेड है। तो आपकी मर्जी है, श्रद्धा के बेसिस के ऊपर आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने लिए हैं नित नारियल वाले प्रसाद सबने। तो अभी हम जाएंगे माता के दरबार पे, थोड़ी भीड़ बढ़ गई है, जो पहले रास्ता खाली दिख रहा था अब वो काफी भीड़ वाला हो गया। हम लोग आ रहे हैं रूम नंबर 4 की तरफ, जहाँ पे हमारा लॉकर है, जहाँ पे हमें अपना सामान रखना है। तो एक लिफ्ट आपको दिखेगी रूम नंबर 4 का मार्किंग हो रखा है, वहां से रूम नंबर 4 के लिए आप आ सकते हैं।
और अपना सामान रख सकते हैं। तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलिए चलते हैं साथ में। जय माता दी। हम लोगों ने कर लिए हैं दर्शन माता के। अंदर अनफॉर्चुनेटली मोबाइल फोन्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर के दर्शन नहीं करा पाया, बट मैं आपको माता के जो ऑनलाइन दर्शन अवेलेबल हैं वो मैं दर्शन कराऊंगा जरूर आपको। मैं आपको ग्लिम्स दूंगा उस चीज़ की। अंदर आज अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी खाली था, भीड़ ज़्यादा नहीं थी, अराउंड 50-60 मेम्बर्स ही होंगे जो वहाँ पे थे। प्लस आपको अगर हेलीकॉप्टर से आप जाते हो तो VIP एंट्री मिलती है जो कि गेट नंबर 5 से होती है, तो उसका बहुत फायदा होता है। आप सीधा आगे निकलते हैं और आपको दर्शन करने को मिल जाता है। तो जय माता दी, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, माता ने अपना आशीर्वाद भी दिया होगा मुझे पूरा यकीन है। हम चलते हैं वापस नीचे की ओर, क्योंकि हमारे पास वापस पहुंचने का टाइम था 10:30 और अभी बज रहे हैं 10, तो अभी आधे घंटे में पहुंचना है हेलीपैड और वहां से हेलीकॉप्टर लेना है नीचे। टाइम का कंस्ट्रेन है हेलीपैड की, अगर आप सर्विसेज लेते हो तो ये सर्विसेज आपको 2.5 घंटा देती हैं, जिसमें आपको 3 किलोमीटर वॉक करना है एक तरफ, यानी टोटल 6 किलोमीटर हो गया, और उसके अंदर दर्शन भी करने हैं आपको, लॉकर भी अपना सामान रखना है, उसके अंदर प्रसाद भी लेना है, तो थोड़ा सा कम पड़ जाता है। तो मतलब अगर एक ये जस्ट रिव्यू है मेरा कि अगर हेलीकॉप्टर एजेंसीज चाहें या जो कैरियर्स हैं वो चाहें तो ये 2.5 घंटे को बढ़ा के थोड़ा सा यार 3.5-4 घंटे कर दो, ताकि भैरव बाबा के भी लोग दर्शन कर पाए। अभी मैं आपको भैरव बाबा के दर्शन कराता हूँ नीचे से मंदिर से, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा नहीं पाऊंगा, तो मैं नीचे से ही क्षमा प्रार्थी हूँ उनका और उनसे माफी मांगते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। अभी यहाँ पे खाया ब्रेड पकौड़ा, तो साथ में लिया है ये हलवा जिसकी मैंने आपको क्लिपिंग दिखाई, बहुत अल्टीमेट हलवा है। यहाँ पे शॉप का नाम मैं आपको बताता हूँ, रुको, शॉप का नाम है नतूस फास्ट फूड, जो आपको पुराने रास्ते पे ऊपर जाते हुए ही दिख जाएगी, वहां से आप हलवा ट्राई कर सकते हैं, काफी अच्छा हलवा है, काफी वर्थ है। आपको मैं दिखाता हूँ शॉप की क्लिपिंग। चढ़ाई का समय है तो मैंने मम्मा के लिए की है पालकी, तो मम्मी जाएंगे पालकी में, उसके बाद हम मिलेंगे हेलीपैड पर। गाइस, तो हमने लिया है वापसी में सीढ़ियों का रास्ता, जो कि थोड़ा सा कहते हैं छोटा है, बट सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको पता है हालत क्या होने वाली है। अराउंड 250-300 सीढ़ियां हैं, जिसको आप चढ़ के 1.5-2 किलोमीटर आराम से बचा सकते हो अपना। तो ये हेलीपैड के पास निकलेगी ऐसा बोला गया है, देखते हैं। सांस चढ़ा हुआ है, 150-200 सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ, तो थोड़ा सा चढ़ रहा है, चलते हैं और दिखाते हैं आपको और चीजें। सो गाइस, अगेन टायर्डनेस बढ़ रही है, क्योंकि पूरा जितना भी रास्ता है सारा रास्ता चढ़ाई का है। वापसी में जाते हुए तो आपको उतराई मिलेगी, बट आपको वापस जाते हुए हेलीपैड की तरफ ये सारी चढ़ाई है, तो थोड़ा टाइम लेके चलना, अराउंड 45 मिनट्स के आसपास तो इजीली आपको लगेगा ही लगेगा ये रास्ता कवर करने में। बीच बीच में स्टॉप लेके चलिए, काफ़ी हाइट है, तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही है कि थोड़ा सांस लीजिए। ऊपर आएंगे तो ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और जो यात्रा टिकट वाला प्रोसेस है वो नहीं करना पड़ता, आपको डायरेक्ट बोर्डिंग वाला प्रोसेस पे जाना है। यहाँ पे भी दोनों कैरियर्स के आपको बूथ मिलेंगे, जिसमें से हिमालयन मेरे पीछे है और उसके साथ ही है हमारा वेक्टर वाला,
ग्लोबल वेक्टर, तो आप इन दोनों पे आइए, अपना बोर्डिंग पास यहाँ पे अपना सबमिट कीजिए जो आपको नीचे से मिला है, वेट आपका दोबारा होगा, उसके बाद आपको हेलीकॉप्टर में भेजा जाएगा। तो सेम प्रोसेस है, हेलीकॉप्टर की पिक्स मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, वीडियोस नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर में जाने से पहले आजकल मोबाइल फोन्स रख रहे हैं लोग, तो मैं वहां से क्लिपिंग नहीं दिखा पाऊंगा। अब मैं आपको मिलूंगा कटरा पहुंच के, वहां से देखते हैं कि लंच के लिए हम कहां जाएंगे और आगे का हमारा क्या प्लान है। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं नीचे हेलीपैड से, वापसी का जो राइड था वो बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा वर्ड नहीं मिल पा रहा मुझे, सेंसेशनल कहूंगा। आपका हेलीकॉप्टर हल्का सा ऊपर जाता है और एकदम बिल्कुल जस्ट लाइक नोज डिप नीचे मारता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग आता है एज कम्पेयर टू जब आप ऊपर क्लाइम करते हैं और जब आप नीचे आते हैं। तो मेरे को तो वैसे ही हाइट से फोबिया है, तो मेरे को नीचे आते हुए ज्यादा डर लगा है एज कम्पेयर टू ऊपर जाते हैं, बल्कि प्लेन्स वगैरह में वाइस वर्सा होता है मेरे साथ। बट ठीक है, परफेक्ट, गुड एक्सपीरियंस। बट जिनको थोड़ा सा डर लगता है वो पीछे वाली सीट पे बैठे हैं, ये रिकमेंडेशन है, आगे वाली सीट पे मत बैठो, आगे वाली सीट पे सब दिखता है, तो पीछे वाली सीट पे बैठो और एंजॉय करो।